खुश आमदीद, आज हम मिल रहे हैं मिनाल से, अरोहा से और मरियम से। कैसे लगे सरप्राइज? अच्छे थे सरप्राइज, अच्छे थे। व्हाट आर यू सरप्राइज्ड? या एक्चुअली आपको देख के हुआ ना कि कितनी रिजेम्बलेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है ना। और इमरान हाशमी अगर थोड़े से जरा रहे ना फॉर्म में तो ये तो खतरनाक हद तक। तौबा करें जी, फॉर्म में ना ये मत रहने दीजिए। हां ये अच्छी बात है, फॉर्म में ना। इमरान हाशमी ने चलना शुरू किया है। मिनाल देखो, सबने आपके एक्सप्रेशन नोट किए, नॉट ओनली मी, इट्स ऑब्वियस टू एवरीबॉडी। अच्छा, आप कुछ क्विक राउंड सेशन है, ओके, ठीक है, और उसके बाद वी विल गेट टू नो आवर हीरोज माशाल्लाह से, इसलिए कि ये वाकई बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं और हम उन सबको रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम सब उन सबको बहुत प्यार भी करते हैं, इसलिए कि उनकी बहुत सारी फिल्म यहाँ पे हम लोग शौक से देखते भी हैं। बट इन लोगों की उनसे खतरनाक हद तक रिजेम्बलेंस है और अभी हम आपसे भी मिलेंगे और जानेंगे आपके बारे में भी, लेकिन उससे पहले गेट रेडी फॉर सम वेरी जिसे कहते हैं ना क्विक राउंड सेशन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली, जल्दी जल्दी उसके जवाब देने। एक ही सवाल सबसे, लेकिन सांस लिए बगैर। ख्वाबों का शहजादा कब मिलेगा? 4 साल बाद मिल गया है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। सेलिब्रिटी क्रश कौन है? बहुत सारे हैं। एक फवाद खान क्रशेस नहीं है। मेरे क्रशेस जो भी अच्छा लगता है उस पे आ ही जाता है, उस पे आ ही जाता है, थोड़ी देख ले जाता है। मनाली तुम क्या कर रही हो? सेलिब्रिटीज में से ना, नॉट सब पे। फूडीज और डाइट? डाइट फूडी। मरियम कहाँ जा रही है? जरूरत भी नहीं है ऐसे। एक शख्स के बगैर नहीं रह सकती मैं, फोन के बगैर नहीं रह सकती, चार्जर के बगैर। शख्स, अच्छा मुझे लगा चीज। शख्स, मामा, एमन एंड मामा, ओके, मामा, ऑब्वियसली। चीज जो, एक चीज जो हर वक्त पर्स में रहती है? सैनिटाइजर, ओके, सैनिटाइजर, परफ्यूम, लोशन, हैंड क्रीम्स, फेस क्रीम्स, बहुत सारी चीजें रहती है। रियली? आई हैव अ ह्यूज बैग। खुद को 3 लफ्जों में बयान करें। 3 words. ऑनेस्ट, ओके, 1. केयरिंग, ठीक है, and jaldi baki sabko sochne ka time de rahi hu aap, and what, and beautiful, and, yeah, okay, thank you. Next, aroha, caring, ha, aur izzat karne wali logo ki, theek hai, aur logo ke raaz rakhne wali, gusse wali, okay, bhi main creative pass add kar sakti hu. Acha, gusse wala, okay, and short-tempered, straightforward and humble, I guess. Yeah. Mariam ke liye taali. हमारे में ज्यादातर सोचे, बट वेरी वेरी गुड। अच्छा, एक चीज जो हमेशा इरिटेट करती है, स्टार्ट विद यू मरियम। झूठ बोलना, झूठ। बार बार कोई फोन कर रहा है, अगर नहीं उठा रहे तो वो कंटिन्यूअसली फोन करके तंग कर रहा है, तो आई वाज लाइक कि यार ये क्यों। मिनाल, जब फोन चार्ज पे लगाओ और फिर चार्ज ही नहीं हो रहा था। ज्यादा आज हुआ है। अच्छा, कपड़ों का फेवरेट फैशन ट्रेंड? मिनाल, आई थिंक टी-शर्ट, जीन्स, लॉन्ग कोट्स, स्वेटर्स, आई लाइक अ विंटर स्टाइल बेसिकली। ओके, फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा। अरे वाह, पीजे, वाह क्या बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिल्म जिसके जो भी है उसका दोबारा बने, उसका सीक्वल बने, तो उसमें आप स्टार आना चाहेंगी, वो कौन सी ऐसी फिल्म है? क्लासिक्स में से हो सकती है, बॉलीवुड भी हो सकती है, बॉलीवुड भी हो सकती है, मे बी दंगल। दंगल? Yeah. So you want to be an Aamir Khan in Dangal? No, that girl. That girl who was a wrestler. Yeah. Really? उसकी पूरी जो जर्नी थी, एक थोड़ा सा मुश्किल सा कैरेक्टर है, तो यू नो, और अच्छा है, इमोशंस है, फील्स है, तो व्हाई नॉट। सीक्रेट सुपरस्टार, यस, क्योंकि वो लड़की शायद दंगल में भी थी और उसने उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है। सीक्रेट सुपरस्टार में आप आना चाहेंगे? ओके, मैंने अभी रिसेंटली देखी थी स्टिल एलिस, इट्स अ हॉलीवुड मूवी, उसमें उस लड़की को अल्जाइमर्स होता है, तो आई वुड लाइक टू डू। या मैं एक और चीज ऐड करूंगी, मैं मे बी ग्रेस फ्रॉम पीकी ब्लाइंडर्स। या ग्रेट, किस सेलिब्रिटी की तरह दिखना चाहती है? ओनली मिनाल खान, नॉट सेलिना, नो, जस्ट मी, नथिंग, जस्ट मी। वो शख्स जिसका आपकी जिंदगी पे बहुत इन्फ्लुएंस है? मेरी अम्मा का। अम्मा का? या अम्मा। एनीबडी एल्स देन अम्मा?
anybody else than jiska influence haan, hai haan, yeah, I'm a very strong headed person. Main sunti sabki hu lekin main karti hu nahi. Okay, exactly same jawab. Sunti sabki hu lekin karti apni hu. Amen. एमन का आप पे इन्फ्लुएंस है कि आप दोनों का एक दूसरे पे, बिकॉज हम लोग मैं अपनी अपना दिमाग से सोच के कोई फैसला नहीं कर सकती. मुझे उसमें एमन और मम्मा के साथ शेयर करना पड़ता है क्योंकि यू नो ठीक है, आई कांट विदाउट माय मदर एक्चुअली. एक रिलेशनशिप में इफ यू हैव द चॉइस कि यू कैन बी द लवर और बिलवड, महबूब हो सकती हैं आप या आशिक हो सकती हैं, क्या होंगी मिनाल? यू कैन बी द लवर और बिलवड. आशिक को बहुत बहुत ज्यादा पड़ती है. अच्छा फिर कोशिश कर लेंगे जी. मैं तो नहीं आशिक बनूंगी. यू वॉन्ट टू बी द बिलवड. अच्छा बिल्कुल सही, जबरदस्त. अच्छा जी, अब हमारे ये तीनों प्यारे प्यारे से हमारे जो हीरोज हैं, उस्मान है, सद्दिक खान है, मजदक जान. हाँ मजदक जान. मजदक जान बड़ा मुश्किल नाम है ये, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, पठान मजदक मुश्किल है. मजदक जान हो गया क्यों भैया? इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वैसे एक बादशाह गुजरा है ईरान का, ईरान का बादशाह, उसके नाम पे आपका नाम है. और आपका नाम? शामून बाबर. शामून बाबर. अच्छा, शामून का ताल्लुक जो है वो गुजरात से, पिशावर. आप भी पिशावर से हैं? तो पिशावर में दोनों रंग के लोग होते हैं. होते हैं. अच्छा वाह, सो पिशावर से ही आए हैं हमारे इमरान हाशमी भी, और पिशावर से ही आए हैं हमारे अजय देवगन. कब पहली दफा किसी ने कहा था कि यार आप तो बिल्कुल उसके जैसे हो? मजदक जी, ये 2 साल 1 साल हो गए जब से आपने दाढ़ी रखी, तब से कोई फर्क पड़ा है? नहीं, बस 1 साल से बोल रहे हैं दाढ़ी तो पहले भी. 1 साल से बोल रहे हैं? जी जी. तो आपको भी रिजेंबल भी करते हैं तो बहुत ज्यादा. आपको खुद लगता है कि आप उसके जैसे हैं? मुझे नहीं लगता. आपको नहीं लगता? नहीं, कभी उनकी नहीं. तरह कोई कार्रवाई की हो? कभी मतलब बंदा फील करता है ना कि मैं उसके जैसा हूँ? नहीं 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 नहीं, सोचा तो होगा. नहीं, आप किस चीज को नहीं? वो तो हर कोई सोचता है. लेकिन फिलहाल मैंने नहीं सोचा. फिलहाल आपने नहीं सोचा. वेरी गुड. अच्छा, आपको खुद पसंद है? वो बहुत सारे लोगों के बड़े, ही इज अ वेरी इंटेंसली इमोशनल एक्टर, तो आपको खुद अच्छा लगता है? अभी तो जरूरी बात है कि पसंद है. पसंद है जी, बिल्कुल पसंद. वेरी गुड. ठीक है, ही इज एन अमेजिंग एक्टर बेसिकली. Apart from all of this, but he's an amazing actor. If all of them? Oh, yeah. Yeah, I know. मैं particularly उसकी बात. हाँ. अजय देवगन भी और शाहरुख खान की. हाँ, सही. अच्छा, शाहरुख की स्टोरी क्या है? उस्मान की स्टोरी क्या है? आपको कब ये खुशफहमी हुई थी कि आप शाहरुख हैं? Actually मुझे खुशफहमी नहीं हुई. गलतफहमी भी नहीं हुई. जब मैं घर से निकलता था ना, तो सब आवाजें लगाते थे शाहरुख शाहरुख. एक दिन तो मैं लड़ पड़ा. हाँ. मैं खबरदार अगर किसी ने मुझे शाहरुख काटो. हाँ. मैं जब घर आया ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा कोई शाहरुख छोटा नहीं होता, हर शाहरुख शाहरुख होता है. ठीक है. तो फिर उसके बाद मैंने नहीं किसी को मना किया. ए, अब तो मुझे ये भी लगना शुरू हो गया, जब मैं शीशा देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हाय ओए शाहरुख है तू. तो बस मैंने ना अपने आप को पक्का कर लिया कि मैं शाहरुख हूँ. मैं शाहरुख. लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हम वैसे भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं जब सुबह के टाइम उठता हूँ तो मैं अपने आप को देख के मैं खुश होता हूँ कि यार काश वो मुझे देख के ऐसे कहे के यार मैं शाहरुख अली. लेकिन नहीं, एक टाइम आएगा वो जरूर कहेगा कि मैं शाहरुख अली. और चाहे शाहरुख अली हो चाहे शाहरुख हो, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको एक्ट करता हूँ, उसको पैरोडी करता हूँ. ड्रीम्स बड़े हैं ना, बिग ड्रीम. हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अभी एक मूवी आ रही है मेरी. अच्छा. हाँ, इश्क मर जाना. उसमें देखेगा मेरा काम, मैं सच्ची मुझे का हीरो बनेगा. अच्छा. यानी सिर्फ शक्ल का मिलना जो है वो बाजू का कितनी बड़ी ब्लेसिंग जो है वो हो सकता है किसी के लिए. आई टेल यू दिस वन थिंग, एमन और मैंने अभी एक रिजेम्बलेंस से मैं आपको बता रही हूँ. मैंने हमने नए फोन खरीदे.
तो उसमें फेस अनलॉक था. तो मैंने ना वैसे ही ट्राई किया कि मैं हमने अपना अपना फेस किया. तो उन्होंने कहा था कि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 6 लोग हैं जो आपके अलावा आपका फोन अनलॉक कर सकते हैं. मैंने कहा एक तो मेरे घर पे ही है. नहीं, बाकी उसके फेस से अनलॉक हुआ. अनलॉक हुआ, मैं भी उसका फोन अपने फेस से अनलॉक कर सकती हूँ. बाकी वेरी गुड.